बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सब्जेक्ट हमारा ये जो हमारे पास जनरल साइंस है वीक 9 लेक्चर 2 क्लास 6 है, ठीक है। तो इसमें दोबारा ये पहले नहीं पढ़ा, सस्पेंशन क्या होता है, क्या होता है सस्पेंशन, क्या होता है। अच्छा जी, सस्पेंशन भी एक सॉल्यूशन की फॉर्म है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल भी दूंगा, कुछ थोड़ी सी वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ए मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज, सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं टू मूव फ्रीली विथ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ फ्रीली मूव करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स सेटल्ड ऑन आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसको सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है या ऐसा मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली विद सॉल्वेंट पार्टिकल, ये फ्रीली मूव करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ, यानी उसके अंदर मिक्स नहीं होते। एंड द पार्टिकल सेटल्ड ऑन आफ्टर सम टाइम, और ये कुछ देर के बाद सेटल्ड ऑन हो जाते हैं नीचे या ऊपर भी तैर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये सस्पेंशन होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद है व्हेन पाउडर चौक और वाटर आर मिक्स, अब चौक का पाउडर बना लें और पानी में इसको मिक्स करेंगे, सस्पेंशन जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। द चौक स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग, अगर आप इसको शेक करेंगे यानी हिलाएंगे तो चौक जो है पूरी तरह इसमें बिखर जाएगा, पानी के अंदर पूरी तरह फैल जाएगा। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, जब तुम स्टॉप कर दोगे इसको हिलाना, द चौक सेटल डाउन, चौक नीचे फैल बैठ जाएगा। दिस सस्पेंशन हैज मिल्की अपेयरेंस, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, इसकी अपेयरेंस क्या होगी, मिल्की होगी। क्या होगी, मिल्की होगी। ठीक है, दिस सस्पेंशन हैज मिल्की अपेयरेंस बिकॉज द चौक पार्टिकल आर विजिबल, अब चार्ट पार्टिकल क्योंकि विजिबल होंगे, इसकी जो अपेयरेंस है वो क्या होगी, मिल्की होगी। क्या होगी, मिल्की होगी, ठीक है बच्चों, बात समझ आई। व्हेन चॉक पाउडर एंड वाटर आर मिक्स ए सस्पेंशन इज प्रोड्यूस, जब आप चॉक पाउडर और वाटर को मिक्स करते हैं सस्पेंशन एक बन जाता है। चॉक स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग, अगर आप इसको हिलाते हैं तो पूरी तरह पूरे पानी के अंदर चॉक जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, जब आप इसको हिलाना बंद कर देंगे चॉक सेटल्ड ऑन, चॉक नीचे बैठ जाएगा। दिस सस्पेंशन हैज मिल्की अपीयरेंस, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है जिसको हम सस्पेंशन कह रहे हैं ये दूधिया कलर का हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद जो चॉक पार्टिकल हैं वो विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज द चॉक पार्टिकल आर विजिबल, चॉक पार्टिकल हमें उसमें नजर आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर, अगर आप किसी फिल्टर में से इसको गुजारें, फिल्टर का मतलब आप समझते होंगे, जैसे वो आप मुख्तलिफ चीज़ों को किचन में फिल्टर करते हैं, जैसे आटा को भी फिल्टर करते हैं, नीचे वो एक जाली होती है उसके ज़रिए फिल्टर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फिल्टर पेपर होता है, क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है, ज़रा मोटा सा होता है,
उसमें से बहुत सारी चीजें हम लेबोरेटरी के अंदर फिल्टर करते हैं, उसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर कहते हैं। द लिक्विड और गैस पासिस थ्रू बट द फिल्टर पेपर ट्रैप्स अ लार्ज पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल। आप कहते हैं लिक्विड या कोई गैस है वो फिल्टर में से गुजर जाएगी, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं वो इसी के अंदर रह जाएंगे। ट्रैप का मतलब होता है वो मतलब उसको पकड़ के रख लेना, उसको ट्रैप कहते हैं। ठीक है, जैसे जाल में कोई चीज आ जाती है उसको ट्रैप कहते हैं, तो उसके अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये सॉल्यूशन में आपको क्या है कि कोई पार्टिकल नजर नहीं आएगा, सारा एक जैसा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन जो सस्पेंशन है उसके अंदर आपको बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो दिखाई देंगे। क्या है? बहुत सारे पार्टिकल दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें आपको और वाजे नजर आएगा कि क्या चीज है। अब ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, फर्ज करें चीनी है, शुगर है या सॉल्ट है, इसको हम इसके अंदर मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब इसमें डिसॉल्व होता है तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, या ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट जो। ठीक है, तो अब ये फर्ज करें हमारे पास सॉल्ट है, इसको हम इसमें वाटर में ऐड करते हैं, तो इसको स्टिरर करेंगे, यानी कि इसके अंदर शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ये इसमें पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ये देखें, ये पूरी तरह इसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सॉल्यूशन है। क्या है? ये सॉल्यूशन कहलाता है, या होमोजीनियस मिक्सचर, पहले भी आपने पढ़ा है, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सस्पेंशन क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन? इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नॉन डिसॉल्व मटीरियल। सस्पेंशन क्या होता है? नॉन डिसॉल्व मटीरियल, ये ऊपर है और नीचे पानी है, इसको हम सस्पेंशन कहेंगे। बस हमारे पास कोई ऑयल है, इसको हम पानी के अंदर थोड़ा सा डालते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। आप इसको जितना भी शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो फिर भी ये क्या है, हमारे पास जो ऑयल है वो ऊपर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं जिसमें वो दोनों मिक्स ना हो मुकम्मल तौर पर, या कम्प्लीटली या पार्शली मिक्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सस्पेंशन है। जो पहले आपने देखा वो क्या था? वो सॉल्यूशन था जो साल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और जो पार्शली डिसॉल्व होता है, यानी थोड़ा डिसॉल्व होता है, उसको सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। अच्छा, ये सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। होमोजीनियस मिक्सचर पहले भी मैं 3-4 दफा बता चुका हूँ, ऐसा होता है जिसमें अगर उसको हल करें तो दोनों के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल नजर ना आए। ठीक है, यानी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसके अंदर, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे चीनी मिलाते हैं, या हम पानी के अंदर या नमक को मिलाते हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा जी, अब इसके बाद ए सस्पेंशन इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए नॉन डिसॉल्व मटीरियल। ठीक है, सस्पेंशन जो है मिक्सचर ऑफ वाटर होता है या नॉन डिसॉल्व मटीरियल होता है। सस्पेंशन इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर और ए नॉन डिसॉल्व मटीरियल, यानी सस्पेंशन मिक्सचर होता है पानी का या उस चीज़ का जो हल नहीं होती। ठीक है बच्चों, या हल नहीं होती उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सस्पेंशन है। ठीक है, यानी सस्पेंशन उस चीज़ को, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, वो होता है जो पानी का, पानी में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व ना हो या उसके अंदर हल बिल्कुल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सम यूजेस ऑफ सस्पेंशन, तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सस्पेंशन ये क्या है। अच्छा जी, ये कहता है कार्बोनेटेड वाटर इज ए
सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अब कहता है कार्बन कार्बोनेटेड वाटर, कल भी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास टिन होता है या बॉटल है पानी की, इसकी पेप्सी या कोक की या कोई और है, तो वो अगर उसके अंदर हमने क्या किया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की होती है, उसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। व्हेन वी शेक ए केन ऑफ कार्बन कार्बोनेटेड वाटर, कहते हैं जब हम एक केन है हमारे पास उसको जोर से शेक करते हैं, हिलाते हैं, द गैस सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द वाटर। अब गैस पानी से अलग हो जाती है इन ए क्लोज केन, केन के अंदर। ठीक है, द बबलिंग गैस हैज नो प्लेस टू गो। अब गैस जाहिर उसमें बबल बन के बंद है और बाहर नहीं आ सकती, इट बिल्ड अप प्रेशर, इसमें क्या होता है प्रेशर बिल्डअप होता है। व्हेन यू ओपन द केन, जब आप केन को खोलते हैं, द गैस एस्केप, गैस बाहर आ जाती बड़ी तेजी से। तो ये तो जनरल एक्सपीरियंस है सब बच्चों का, वो कह रहे हैं जब आप केन को या बॉटल को पेप्सी वगैरह या सेवन अप जो भी है उसको जोर से आप शेक करते हैं, हिलाते हैं जोर जोर से, ठीक है, तो उसमें से गैस जो है वो बाहर आती है, उसको कोई जगह नहीं मिलती बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रेशर बिल्डअप कर देती है, क्या कर देती है, एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इट बिल्ड्स अप प्रेशर। व्हेन यू ओपन द केन, जब आप वो केन को खोलते हैं, द गैस एस्केप, गैस बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, ये देखें एक इसमें एक्सपीरियंस हम करते हैं, ये देखिए इसको जोर से हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से फिर इसके अंदर से क्या है, ये कार्बोनेटेड वाटर जो है वो गैस के साथ बाहर आता है। ठीक है, ये तो आपने जनरली देखा भी होगा, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इसको शेक कर रहे हैं और जब हम इसको स्पीड से खोलेंगे शेक करने के बाद, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलहदा हो चुकी होती है और बड़ी स्पीड के साथ बाहर आती है और लिक्विड या इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो भी क्या है बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, जो भी पेप्सी वगैरह या कुछ इसमें जो लिक्विड है वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। अच्छा जी, वी यूज लेमोनेड एंड टी इन आवर हाउसेज। अब जाहिर है शरबत वगैरह ये जो लेमन का बना होता है हम इस्तेमाल करते हैं, चाय भी, दीज आर सोल्यूशन टू, ये भी सोल्यूशन है। एयर इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेज, ये कल भी हमने पढ़ा था, वी ब्रीथ इन दिस सोल्यूशन, हम इसमें क्या है सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, द स्टील यूज टू बिल्ड ए कार इज ए सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, ये भी एक सोल्यूशन है, जो स्टील हम कार वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है या और भी मटेरियल में इस्तेमाल होता है। A solution of two or more metal is called alloy. ये भी कल भी पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं alloy कहते हैं। A solution है दो या दो से ज्यादा metal का। ठीक है, During the process of making steel, अब कहते हैं steel बनाते हुए, वो मैंने इधर भी एक video आपको दिखानी थी लेकिन वो बड़ी थी इसलिए मैंने वो लगाई नहीं। Carbon and iron are melted into liquid. ठीक है, कल भी बताया था स्टील बनाते हुए कार्बन और आयरन को हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म तक मेल्ट करते हैं, यानी उसको हीट अप करते हैं बहुत ज़्यादा, देन द कार्बन इज डिसॉल्व इन आयरन, फिर हम कार्बन को आयरन में डाल लेते हैं या हल कर लेते हैं, जिससे क्या बन जाता है स्टील बन जाता है, क्या बन जाता है स्टील बन जाता है। ठीक है बच्चों, कार्बन एंड आयरन आर मेल्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, कार्बन और आयरन को हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कर लेते हैं, then the carbon is dissolve in the iron, फिर हम carbon को iron में अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है steel बन जाता है। अच्छा, in the ocean salt and other minerals are dissolved in water, salt और दूसरे mineral पानी में हल हुए होते हैं, कल भी मैंने बताया था काफी सारे थे, sodium carbonate, bicarbonate और क्लोरीन थी,
ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी मैग्नीशियम वगैरह पानी के अंदर जो समुद्र का है उसमें पाई जाती हैं। ओशियन वाटर इज ए सोल्यूशन, ये क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। अच्छा जी, अब दोबारा सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर। अब मैंने पहले भी बताया था कि सस्पेंशन को हमें हम अलहदा कर सकते हैं फिल्टर के जरिए। लिक्विड और गैस पासिस थ्रू बट द फिल्टर पेपर ट्रैप्स द लार्ज सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास सस्पेंशन है उसमें जितने पार्टिकल हैं, जैसे वो शुरू में हमने एग्जांपल दी कि हमने चॉक पाउडर जो है वो पानी के अंदर डाला है, तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर के ज़रिए अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर एक ख़ास पेपर होता है जो हम लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, थोड़ा मोटा होता है, उसमें से क्या होता है कि सिर्फ वाटर गुजर जाता है या जो बहुत बारीक पार्टिकल है या गैस है वो गुजर जाती है, लेकिन जो चौक है वो गुजर नहीं पाता। ठीक है, तो इसको हम जो है फिल्टर पेपर के जरिए सस्पेंशन के पार्टिकल हम अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल, मिक्सिंग सॉयल इन वाटर फॉर्म ए सस्पेंशन। कहते हैं अगर हम पानी के अंदर, अगर हम मिक्सिंग सॉयल इन वाटर फॉर्म ए सस्पेंशन, अगर हम पानी में इसको हल कर लें मिट्टी को, तो ये भी सस्पेंशन बन जाएगी। जैसे पानी में हल करेंगे ये नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, लस्सी इज ए फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ये लस्सी आपने देखी होगी, आप भी उसमें देखें पार्टिकल होते हैं दही वगैरह के, इसके अलावा बटर के पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लस्सी इज एन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, ये भी एक सस्पेंशन की शक्ल है। फैट्स के भी होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन के पार्टिकल भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लस्सी नहीं है, लस्सी ही है वो जो आप अक्सर पीते रहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स कैशिज आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ये भी कहता है सस्पेंशन की ये मिसालें हैं जो फ्रूट्स कैश वगैरह आप पीते हैं। स्टीरिंग अप द बॉटम ऑफ ए रिवर आर ए लेक प्रोड्यूस ए सस्पेंशन। कहते हैं आप कोई दरिया के बॉटम में या गहराई में जाके अगर आप किसी चीज़ से वहाँ हिलाएं तो पानी क्या हो जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ज़ाहिर है मिट्टी ऊपर आएगी और वो सस्पेंशन हो जाएगा। या कोई आपके पास करीब में झील है तो वहाँ पे भी आप जाके नीचे, क्योंकि मिट्टी होती है उसको हिलाएं तो वो सस्पेंशन बन जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम द सैंड और सॉइल अगेन सेटल डाउन, फिर ये गैस नीचे बैठ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, ब्लड इज ए सस्पेंशन। ब्लड क्या है, एक ये भी सस्पेंशन है। इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आर सस्पेंडेड इन ए सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। वो एक सोल्यूशन में मौजूद होते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्लड भी एक सस्पेंशन है, इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आर सस्पेंडेड इन सोल्यूशन, जो एक सोल्यूशन में मौजूद है कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ए सस्पेंशन विच कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट इज कॉल्ड सोलरी। अच्छा जी, अब ये स्लोरी, सॉरी, कहते हैं एक सॉल्यूशन होता है जिसे स्लोरी कहते हैं। अब ये स्लोरी जो है वो सीमेंट और पानी का मिक्सचर होता है, यानी सीमेंट में तीन चार चीज़ें मिली होती हैं, पानी में जब आप इसको डालते हैं तो वो स्लोरी इसको नाम दिया जाता है। ये भी कहते हैं सस्पेंशन है। क्या ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन दैट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है,
वो हल नहीं होता, ठीक है, इज कॉल्ड स्लोरी. द स्लोरी पेस्ट ऑफ, सॉरी, रनिंग पेस्ट ऑफ सीमेंट मिक्स विद वाटर. अब वो सीमेंट का जो पेस्ट है वो पानी से मिक्स हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ स्लेरी कहता है, ये स्लेरी की एक मिसाल है, ठीक है, समझ आया. यानी स्लेरी जो है ये भी सस्पेंशन है, और स्लेरी क्या है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल सॉल्ट और दूसरी बहुत सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, इनसॉल्युबल सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, और बहुत सारी चीजें, तीन चार चीजें और होती हैं जिसकी वजह से हमने सीमेंट को बनाया होता है, तो इसको स्लेरी कहते हैं. ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया. अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहले है सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डज नॉट सेटल आउट, ठीक है. इसमें सॉल्यूशन में क्या है, पार्टिकल जो है वो नीचे नहीं बैठते. पार्टिकल पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पार्टिकल आम फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, ठीक है, यानी वो बिल्कुल ही हल हुए होते हैं तकरीबन उसके अंदर, उसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है. अब आगे है सस्पेंशन क्या होता है. पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट सेटल्ड ऑन स्टैंडिंग. अगर आप सस्पेंशन को रख दें तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, ऊपर भी चले जाते हैं, जैसे वो आपने देखा कि ऑयल के पार्टिकल ऊपर चले गए, ठीक है. पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम अलग भी कर सकते हैं इसमें जो होते हैं, ठीक है. तो बच्चों ये आज के लिए लेक्चर था, और आपका होमवर्क यही है, लास्ट क्वेश्चन जो था गिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दो दो लिखी हुई, वो आपने लिखना है, ठीक है. तो आपके लिए ये लेक्चर इतना ही आज काफी था, और अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते सर वो हैं. क्वेश्चन दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट खरीदना, करना एक बच्चा बोले ना सर वो क्वेश्चन दोबारा दिखाना है तो स्क्रीनशॉट लेना है सर, क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ये सर, वाला क्वेश्चन का आंसर ये सर, ये जो आपने होगा डीएस का आंसर किधर है सर, एक मिनट शोर कर दिया सबने सर. ये लास्ट जो है ना, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये दिया हुआ सस्पेंशन दो ही है, वो तीसरा ऐसे लिखा गया, और इस तरह से यहाँ पे भी सस्पेंशन की दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ये एक ये वाला, ठीक है, और इसके बाद एक ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है. तो ये आपने, ये पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डज नॉट सेटल आउट, पार्टिकल पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लाइट रेज डज नॉट स्कैटर्ड ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, ये जो है आपने लिखना है, ठीक है. और इसके बाद जो सॉल्यूशन है तो उसमें आपने ये दो प्रॉपर्टीज आपने इसकी भी लिख लेनी है, ठीक है, सॉल्यूशन की, ठीक है, क्लियर. अच्छा जी, अब इसमें सॉल्यूशन में चलो दोबारा पढ़ देता हूँ. पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डज नॉट सेटल आउट, ठीक है. पार्टिकल पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लाइट रेज डज नॉट स्कैटर्ड ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आया बच्चों, क्लियर. तो ये आपने एक के लिखे हुए हैं, दूसरे नहीं लिखे हुए, वो आपको फिर मैं कल लिख दूंगा, सॉल्यूशन के लिखे हुए, सस्पेंशन के नहीं लिखे हुए, शायद वो रह गया. तो आप ऐसे करेंगे, सस्पेंशन के जो है ना वो फिर कल मैं आपको, अब बस एक ही ये तीन प्रॉपर्टीज आप होमवर्क में लिख लें, ठीक है बच्चों. थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी था. अस्सलाम वालेकुम.